program is sponsored by Chinar Fabrics. नमस्कार, दिल्ली प्राइम देख रहे हैं आप, यानी दिल्ली की तमाम बड़ी खबरें मेरे साथ यानी शशि रंजन, आपका स्वागत करता हूं इस खास कार्यक्रम में। आज दिन की शुरुआत बड़ी अजीबोगरीब तरीके से हुई, हालांकि इसकी पटकथा बहुत पहले लिख दी गई थी। आम आदमी पार्टी से निकाले गए विधायक विनोद कुमार बिन्नी का शो महज 3 घंटे में ही खत्म हो गया। आपका ये मैटनी शो इस कदर फ्लॉप होगा, इसकी उम्मीद किसी को नहीं थी, शायद बिन्नी को भी नहीं। लेकिन सियासी मैराथन की प्रैक्टिस करने वाले आम आदमी पार्टी के भूतपूर्व मिल्खा सिंह 3 घंटे में ही हांफने लगेंगे, ऐसा अनुमान किसी को नहीं था। उन्होंने बड़े भाई होने के नाते मुझे एक सलाह दी थी कि आपको इस संसद से कुछ हासिल नहीं होने वाला, आपको इस लड़ाई को बहुत लंबा चलाना होगा। आपसे बेदखल हुए विनोद कुमार उर्फ बिन्नी ने खुद ब खुद अपना अनशन खत्म कर लिया और अपनी तरफ से ही केजरीवाल सरकार को 10 दिन की मोहलत दे डाली, यानी बिन्नी के अनशन का मैटिनी शो खत्म हो गया। लेकिन फिल्म के डायरेक्टर साहब ने फिल्म को उस मोड़ पर खत्म किया जहां से उसका सीक्वल बनाया जा सके। आपको पूरा संगठन खड़ा होकर इनका मुकाबला करना होगा, अपनी नीतियों को क्लियर करना होगा, इन पार्टी की नीतियों को उजागर करने के लिए आपको काम करना होगा। इस जगह बैठ के साथ ये काम नहीं कर पाओगे, आपको तमाम पूरे देश में काम करना चाहिए। लेकिन जी हाँ, बिन्नी अब प्रादेशिक अनशन छोड़कर देशव्यापी आंदोलन करेंगे। 10 दिन बाद फिर आप अनशन करने की बात कर रहे हैं, लेकिन अभी आपने कहा नहीं, मैंने अनशन शब्द नहीं किया, हमने देशव्यापी आंदोलन छेड़ने की बात की है। हम इसको दूसरे रूप में आंदोलन करेंगे, इनके खिलाफ प्रदर्शन करेंगे और पूरे देश के लोगों को जागरूक करेंगे और इनको बताएंगे वास्तविकता इनकी जो करनी और कथनी में क्या फर्क है, वो सब लोगों का होता है। यानी तैयारी मैराथन की है, लेकिन सियासत के मिल्खा सिंह फिलहाल 3 घंटे में ही हांफते नजर आए। अब बिन्नी अन्ना का हवाला देते नजर आ रहे हैं और कहते हैं कि अनशन की राजनीति इस देश में फ्लॉप हो चुकी है, करना कुछ और होगा। मुझे अन्ना जी ने एक बात कही थी कि ये 2-4 दिन के आंदोलन से कुछ नहीं होने वाला, भूख मरने से कुछ नहीं वाला, हमने बहुत भूखा मर के देखा है। और उन्होंने एक बात भी कही थी कि आपको इस पर पुनर्विचार करना चाहिए, अनशन की राजनीति, अनशन वाली प्रक्रिया इस देश में फ्लॉप हो चुकी है। अब सवाल ये उठता है कि अगर अनशन पर बैठने के बाद अन्ना का ये मैसेज बिन्नी के पास आया तो फिर ये मैसेज लाया कौन, बताया क्यों नहीं, और अगर अन्ना की नसीहत पुरानी है तो फिर अनशन का फ्लॉप शो करने की जरूरत क्या थी, क्योंकि अब ये भीड़ खुद को ठगा महसूस कर रही है। कैमरामैन पवन शर्मा के साथ ललित नारायण कांडपाल, टोटल न्यूज, दिल्ली। साहिब सिंह चौहान हैं, बीजेपी से हैं और इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। चौहान साहब, बिन्नी से बहुत उम्मीद लगाए बैठी थी बीजेपी, लेकिन वो भी फ्लॉप साबित हुआ। साहिब सिंह चौहान साहब, आवाज आ रही है? साहिब सिंह चौहान साहब जुड़ रहे, शायद उन तक आवाज नहीं पहुंच रही है। जी साहिब सिंह चौहान साहब, आवाज आ रही है? जी आ रही है। जी, ये बिन्नी से आप लोग बहुत उम्मीद लगाए बैठे थे, लेकिन मतलब वहां भी कामयाबी नहीं मिली, फ्लॉप हो गया शो। बिन्नी के मामले में देखिए, उससे हमारा कोई ऐसा नहीं है कि कोई उम्मीद में लगा करके हम लोग बैठे हुए थे। भारतीय जनता पार्टी का कोई ऐसा नहीं था, यदि मान लो सरकारी बनानी होती तो हम लोग बना सकते थे जी, और बहुत पहले बना सकते थे जब उपराज्यपाल जी ने हमें बुलाया था। लेकिन हमें पता है कि हमारे भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल के नेता डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने बहुत साफ गोई से, बहुत अच्छे तरीके से वहां जाके उपराज्यपाल जी को कह दिया गया कि क्योंकि दिल्ली की जनता ने हमें, लेकिन 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 चौहान साहब सरकार बनाने के लिए तो है, लेकिन सरकार बना नहीं पा रहे हैं। साहिब सिंह चौहान साहब, लेकिन एक जितेंद्र कोचर साहब हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं।
कोचर साहब आप भी जरा सुनते रहिएगा, लेकिन साहिब सिंह चौहान साहब, ये दोनों पार्टियां बहुत उत्साहित थी, कांग्रेस भी और बीजेपी भी, कि जिन मुद्दों को आप उठा रहे थे, कहते हैं कि घर का वो विभीषण लंका ढाए वाली बाल हालत थी, तो आप लोग बहुत उत्साहित थे, लेकिन मतलब 3 घंटा भी नहीं टिक पाए बिन्नी साहब, तो आपके भी एजेंडे को कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत नुकसान हो गया। चौहान साहब आपसे ही बात कर रहा हूं। जी जी, देखिए हमारे एजेंडे को कोई भी नुकसान नहीं है रंजन जी, और इसमें बिन्नी जी स्वयं ही वहां घुटन महसूस कर रहे थे, क्योंकि वो जानते हैं कि बिन्नी जी एक जमीन से जुड़े हुए नेता हैं और वहां पर वो काउंसलर रहे हैं 2 बार, वो चाहते हैं कि जो आप पार्टी ने जो वादे किए वो पूरे होने चाहिए थे, लेकिन पूरे नहीं किए हैं। निश्चित रूप से उन्होंने वो बात उठाई है, और वो बात नहीं मानी जाए तो उनका अंदरूनी मामला है, और स्वाभाविक है उन्होंने जो है उनको जब यदि ये बात उठाई है, वहाँ लोकतंत्र नाम की चीज नहीं है, आप पार्टी तो पार्टी ही नहीं है, ये तो जमावड़ा है कुछ लोगों का, इकट्ठे हो गए सत्ता लोलुपता के लिए, पद लोलुपता के लिए, नेगेटिव वोट लेकर के कांग्रेस को पूरी तरह खत्म कर दिया, कांग्रेस खत्म हो गई। चौहान साहब लाइन पे बने रहिए। कोचर साहब, कांग्रेस को कितना झटका लगा, देखिए बिन्नी जी ने अनशन 3 घंटे में ही मैराथन में हाफने लगे, वो इसका मतलब असर कांग्रेस पे कितना पड़ा? देखिए हमारे तो झटके का सवाल ही पैदा नहीं होता, हमारी तो 8 सीट आई है, हम तो पहले ही किसी किस्म की रेस पे नहीं, हम तो भारतीय को समर्थन दे रहे थे, अगर कहीं तोड़फोड़ या कहीं उम्मीद या कहीं आशा की अगर किरण थी तो भारतीय जनता पार्टी को थी, हम तो कहीं रेस में नहीं, और हमें झटके लगने का सवाल ही पैदा नहीं होता। नहीं, मेरे कई कोचर जी का ये कहना बहुत गलत है, निराधार है कि तोड़फोड़ की उम्मीद, देखिए ये बौखलाहट है, हम तो 8 में हम तो कर ही नहीं सकते। असल में कोचर जी ये आपकी बौखलाहट है पूरी तरह से, यू हैव बीन टोटली रिप्लेस्ड बाय आवर पार्टी एंड यू स्टैंड नो मोर। अब आपको कम से कम अरे हिम्मत जुटानी चाहिए दिल्ली की, मेरे तो समझ नहीं आ रहा कि दिल्ली की जनता से हिम्मत की हम साथ देते हैं, चौहान साहब मिलाकर के, लेकिन कुछ होने वाला नहीं है आपका। चौहान साहब ने आपको सजा दी है, चौहान साहब और कोचर जी की सजा दी है, चौहान साहब और कोचर जी आपका कुछ होने वाला नहीं है, भ्रष्टाचार की आपको सजा दी है, भारतीय जनता पार्टी साहब और कोचर जी राजनैतिक हलकों में चर्चा यही है। चौहान साहब और कोचर जी दोनों लोगों से मैं ये पूछना चाहता हूं और समझना भी चाहता हूं, पूरी दिल्ली समझना चाहती है, आप दोनों चाहते हैं कि सरकार गिर जाए, या तो देखिए एक ही एजेंडा, दो एजेंडा है, एक तो ये आम आदमी पार्टी की सरकार एक्सपोज हो या फिर गिर जाए। अब ये बिन्नी एक ऐसे शख्स आ गए इन बिटवीन, जहाँ पर दोनों आप लोग दोनों का ये मतलब नहीं, साथ रहे थे। हमारी नियत पर आप शक मत करिए, सुन लीजिए फिर मैं बात बताता हूँ। जी चौहान साहब, पहले आप ही बोल दीजिए। हमारी नियत बहुत साफ है, हम गिराने की बात छोड़िए, हम सरकार बनाने की स्थिति में सरकार बना सकते थे, उपराज्यपाल महोदय ने बुलाया था, वी आर द बिगेस्ट पार्टी, वी आर द लार्जेस्ट पार्टी, यदि सरकार बनाने का दिल्ली की जनता ने यदि कोई मैंडेट दिया भी है तो भाजपा को दिया था, इसलिए हमारा कोई ना इरादा ना कुछ है। भाग गए ना सर मैदान से, वादे करके ही मैदान तो छोड़ दिया ना आपने, तो निश्चित रूप से पहले दिन से इनसे आप पार्टी वालों से दिल्ली की जनता उनसे अपेक्षा करती है कि आप जनता की सेवा करिए, कांग्रेस को तो नकार दिया पूरी तरह से, आप बच नहीं सकते। नहीं नहीं, मैं चौहान साहब वो मसला नहीं है, जितेंद्र कोचर जी ये बिन्नी को देख करके आप लोग बड़े उत्साहित भी थे, खुशियां भी थी कि चलो एक मतलब सांप भी मर जाए और लाठी भी नहीं टूटे, कितना झटका लगा है कांग्रेस को? देखिए हमें, मैंने कहा ना, झटके का कोई सवाल ही नहीं, जब भारतीय जनता पार्टी सरकार नहीं बनवाना सकती, ना वो गिरा सकती थी ना वो बना पाई सरकार। मैं ये पूछ रहा हूँ कोचर साहब कि बिन्नी के 3 घंटे में बिन्नी वहाँ से उठ गए जंतर मंतर से, इसका झटका कितना लगा? देखिए कांग्रेस को बना करके फिर आप पार्टी को खत्म करने का एक नाटक कांग्रेस का हो सकता है, लोगों ने इसको बिन्नी को आगे खड़ा कर रखा था, जिससे उनकी आशा उम्मीद थी उनको यही लगा। जरा पूरी दिल्ली समझना चाहती है, इसलिए कांग्रेस और बीजेपी दोनों से एक साथ बात कर रहे हैं कि किसने तो बिन्नी को आगे खड़ा किया था। हमने उनकी जो 18 पॉइंट को समर्थन दिया था सरकार चलाने के लिए, 18 जो मुद्दे थे उनको समर्थन दिया था, हमारी बिन्नी हो या ना हमें कोई फर्क नहीं पड़ना था, लेकिन फर्क पड़ रहा था भारतीय जनता पार्टी को, जिसको आशा और उम्मीद थी कि हम इस बार निश्चित तौर पर शायद दिल्ली में सरकार बनाएंगे।
मतलब अंगूर खट्टे हो गए। देखिए ये कोचर जी का कहना बिल्कुल निराधार है, तो इन्होंने बिन्नी का सहारा लिया। दिल्ली की जनता के सामने कोई कर्जा आनी चाहिए, कम से कम आप आकर के भारतीय जनता पार्टी किसी भी हालत में इनके। अच्छा कोचर जी ये मुझे बताइए, कोचर पार्टी दोनों चुनावों में जाने से डर रही है? भारतीय जनता पार्टी ने साफ कह दिया, हम न समर्थन देंगे न समर्थन लेंगे। कांग्रेस की जिम्मेवारी से भाग दे रहे हैं, जब आप अपनी जिम्मेवारी से भागे तब ये नौबत आई है। नहीं चाहते जिम्मेवारी संभाल दे अपनी आप। कांग्रेस आपको ये पता है पूरी तरह नहीं चला सकते। चौहान साहब और जितेंद्र कोचर जी, ये बीजेपी और कांग्रेस, ये आप लोग दोनों जब आते हैं ना बीजेपी और कांग्रेस, तो एक दूसरे के पीछे पड़ जाते हैं। मैं तो सिर्फ ये पूछ रहा हूँ कि बिन्नी के फ्लॉप होने का दर्द किसे ज्यादा है, कांग्रेस को या बीजेपी को? बात यह है विनोद कुमार, बिन्नी जो बोल रहे हैं पहले इनको सबसे ज्यादा दर्द है। सिद्धांतों की वो लड़ाई लड़ रहे हैं, बिन्नी जी जो वहाँ पर लड़ रहे हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं, लड़ाव बोल रहे हैं। एक तो रंजन जी सुन लें, देखिए बिन्नी जी के उससे आम आदमी पार्टी बेनकाब हुई है पूरी तरह से। आम आदमी पार्टी में लोकतंत्र नहीं है, उनके अनुसार आम आदमी पार्टी में एक दो आदमी की चलती है। मैंने देखा है कि वहाँ पर जिस समय पर विश्वास मत पर बहस हो रही थी, एक भी आम आदमी का विधायक बोला नहीं। जिस दिन वहाँ पर बहस हो रही थी एलजी एड्रेस पर, एक भी आदमी, एक भी विधायक एलजी उस पर, उसमें आम आदमी पार्टी का बोला नहीं। वहाँ पर छटपटा है और पता नहीं कितने बिन्नी वहाँ पर निकलेंगे। ये आम आदमी पार्टी का ये है कुछ क्या? चौहान साहब ये जानकारी है क्या? हो चुकी है और कितने भी नहीं है आम आदमी चौहान साहब और कितने भी नहीं है इतनी बेसब्री से इंतजार है कि सत्ता से बाहर नहीं रहना चाहते हैं। एक बहुत बड़े एक कांग्रेस के दूसरे नंबर पे आप देख सकते हैं, इनकी बौखलाहट देख सकते हैं। अच्छा चौहान साहब मेरी थोड़ी सी मदद कर दीजिए, उनको आपको सरकार चलाए होंगे, चौहान साहब मेरी थोड़ी सी मदद कर दीजिए। डॉक्टर बालिया सीएम की कतार में थे, कहां मदद करने वाले लोग हैं आप? साहेब सिंह चौहान साहब, साहेब सिंह चौहान साहब मेरी आप थोड़ी सी मदद कर दीजिए। जैसे आप कह रहे हैं कि कई और बिन्नी है, बिन्नी भी कह रहे हैं कि कई और बिन्नी है, लेकिन हम लोग और दिल्ली को समझ में नहीं आ रहा कि और कितने बिन्नी हैं। कर रहे हैं, मैंने देखा है वहाँ, मैंने विधानसभा में देखा है रंजन जी, विधानसभा में जी महात्मा गांधी के बंदर की तरह बैठे लोग बोल नहीं पाते। ठीक है ना, लेकिन ये मुझे बताइए बिन्नी कितने हैं और? नहीं मैं ये कहना चाहता हूँ वहाँ पर कितने निकलेंगे समय पर, वहाँ जो घुटन महसूस कर रहे हैं जो लोग, उनको बोलने की अनुमति। चलिए आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे पता है कि आज बिन्नी फ्लॉप हुए तो उसका दर्द जितना बिन्नी को नहीं हुआ होगा, शायद उससे ज्यादा दर्द कांग्रेस और बीजेपी को हुआ होगा। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। और लगातार ये कोशिश कर रहे थे, ये समझने की कोशिश कर रहे थे, बिन्नी भी कह रहे हैं कि कई बिन्नी है, साहेब सिंह चौहान भी कह रहे हैं कई बिन्नी है, जितेंद्र कोचर साहब यानी बीजेपी कांग्रेस बिन्नी, कई लोग कह रहे हैं कि कई और बिन्नी है, लेकिन जो बिन्नी के अलावा दूसरे बिन्नी है वो बाहर निकलने को तैयार नहीं है। और सियासत का ये खेल बदस्तूर यूं ही जारी रहेगा। और कई मेरे मित्र हैं वो ये कह रहे थे कि बिन्नी ने जब अपना अनशन कॉल ऑफ किया, आंदोलन कॉल ऑफ किया, तो बिन्नी से ज्यादा दर्द कांग्रेस और बीजेपी वालों को हुआ। बहरहाल जब आज बिन्नी जंतर मंतर पे थे अनशन के लिए, तो वहां पर कई टोपियां थी। आजकल हिंदुस्तान में टोपियों का दौर है, सफेद टोपी और आज एक दिखी काली टोपी। उस काली टोपी पे लिखा था अनजान आदमी। अब ये आम आदमी पार्टी के जो विनोद कुमार बिन्नी हैं, वो कितने अनजान हैं अपनी पार्टी के लिए? बेशक बिन्नी पार्टी में नहीं है, लेकिन उन्हें अनजान कहने वालों की कतार थी वहां पर, कई टोपियां भी थी वहां पर। जरा देखिए किस किस तरह की टोपी थी और कौन है वो अनजान लोग बिन्नी की उस सभा में, उस आंदोलन में कितने अनजान लोग थे। विनोद कुमार बिन्नी जब जंतर मंतर पर अनशन पर बैठे तो तालियां भी खूब बजी।
भाषण भी हुए, जयकारे भी लगे, तब तक बिन्नी आपके घोषित बागी हो चुके थे, यानी उन्हें पार्टी से निकाला जा चुका था। पार्टी को यह डर था कि लगातार माध्यम तमाम सूत्रों से जानकारी मुझ तक पहुंच रही थी, मीडिया तक पहुंच रही थी कि तमाम ऐसे विधायक हैं जो असंतुष्ट हैं पार्टी की पॉलिसी से, उसमें वो सब लोग वहां पहुंच सकते थे। इसीलिए कि आनंद फानंद पे इन्होंने कल एक आपके माध्यम से मुझे जानकारी, मुझे लिखित में कोई जानकारी अभी तक नहीं है, फोन के माध्यम से मुझे कोई जानकारी नहीं है, मेल के माध्यम से मुझे कोई जानकारी नहीं है कि मुझ तक कोई ऐसी चीज इन्होंने भेजी हो जिससे बताया हो कि भाई आपको पार्टी से निकाल दिया गया, आपकी मेंबरशिप रद्द कर दी गई है। लेकिन आप लोगों के माध्यम से खबर आई है तो मैं उसको सच मानता हूं, क्योंकि मीडिया हमेशा सच्ची चीजें दिखाता है और वास्तविकता दिखाता है। नहीं, मुझे कोई पत्र नहीं मिला, लेकिन इसी डर की वजह से इन्होंने रात में आनंद फानंद में एक डिसीजन लिया कि बाकी लोगों पर हम विराम लगा पाए। तो ये इसके पीछे की मंशा मुझे एक और दिखती है कि ये चाहते हैं कि सरकार किस तरह गिर जाए। उसी वक्त से लोगों को डर सताने लगा था कि अब आपका क्या होगा जनाबे आली, मतलब अल्पमत की सरकार। लेकिन सचिवालय में घुसते ही केजरीवाल ने साफ कर दिया कि उन्हें सरकार बचाने की राजनीति नहीं करनी है, जो होगा देखा जाएगा। साथ ही साथ दावा कर रहे हैं कि कई और पार्टी के विधायक हैं जो कि उनके साथ संपर्क में हैं, अब सरकार भी अल्पमत में आ गई है एक तरीके से। अच्छा, चलो ठीक है, देख लेंगे। हमें कौन सी सरकार बचाने की राजनीति थोड़ी करनी है, दूसरी ओर बिन्नी भी लगातार कह रहे थे कि वो आम आदमी पार्टी को मुद्दों पर समर्थन जारी रखेंगे, बशर्ते अनुरोध बना रहे। मैं अभी सिर्फ मुद्दों के आधार पर सरकार को वोट करूंगा, क्योंकि अगर सरकार को अगर उसको समर्थन चाहिए तो उनको अनुरोध करना होगा, क्योंकि मुझे पार्टी से निकाल दिया। लेकिन अनुरोध तो दूर, गतिरोध को भी खत्म करने की पहल आम आदमी पार्टी की ओर से नहीं की गई, और इसी गतिरोध ने जंतर मंतर पर बिन्नी को अनजान आदमी बना दिया। काले रंग की टोपी पहनी हुई है, अनजान आदमी लिखा हुआ है इसमें, क्या मतलब है? ये अनजान आदमी हमारी ट्रस्ट है, और हम अब हम आम आदमी नहीं रह गए। अभी तक जो आम आदमी थे अब वो सब अनजान हो गए। जी हाँ, ये लोग कभी आम आदमी पार्टी के सदस्य थे, लेकिन कहते हैं कि अब अनजान आदमी हो गए हैं, क्योंकि इनके नेता को निकालने का फैसला आम आदमी से पूछ कर नहीं किया गया। सीएम बनने से पहले जब आप हर चीज जनता से पूछ करके करते थे, तो इतना बड़ा फैसला एक जनता के चुने हुए प्रतिनिधि को, जो कि आप पार्टी का प्रतिनिधि है, विधायक है, उसको आपको जनता से पूछ करके निकालना चाहिए था। आप छोटी छोटी बात करते हैं, सारी बातों को आप जनता के सामने पूछ करके करते हैं। एक विधायक को, चुने हुए प्रतिनिधि को आपको जनता से पूछ करके निकालना चाहिए था। आपको ये किसने अधिकार दिया? क्या आज आप पार्टी के इतने बड़े मालिक हो गए हैं कि आप जिसको चाहेंगे उसको निकाल देंगे? विनोद कुमार बिन्नी को जिस तरह से पार्टी ने एकदम निकाल दिया है, ये पार्टी के लिए अच्छा नहीं है। जबकि अगर पार्टी सारे काम जनता से पूछकर ही करती है, तो बिन्नी को निकालने का फैसला भी जनता से ही पूछकर करना चाहिए था। कैमरा पर्सन कपिल के साथ ललित नारायण कांडपाल, टोटल न्यूज दिल्ली। 28 दिसंबर को केजरीवाल सरकार ने शपथ ली थी, मतलब जितने मुख्यमंत्री हैं, मंत्री, जितने उनके मंत्रीगण हैं, सभी लोगों ने शपथ लिया था। आज 27 तारीख है, यानी कि तकरीबन एक महीने पूरे हो गए। बीजेपी, कांग्रेस और उनकी ही पार्टी से देश निकाला का दंश झेल रहे विनोद कुमार बिन्नी का कहना है कि ये जो मौजूदा सरकार है, केजरीवाल साहब की सरकार, ये कुछ नहीं कर रही। लेकिन केजरीवाल साहब अपने एक महीने के काम का लेखा जोखा दिल्ली वालों के सामने पेश करेंगे कल। बड़ा ही महत्वपूर्ण होगा और दिलचस्प होगा देखना कि एक महीने में क्या क्या काम किया उन्होंने, वो दिल्ली वालों के सामने पेश करेंगे। हिंदुस्तान की राजनीति में ऐसा पहली बार हो रहा है कि जहां पर मुख्यमंत्री कहते हैं कि किसे सरकार बचाने की चिंता है, और उधर सरकार को समर्थन देने वाली कांग्रेस कहती है कि सरकार गिराने का कोई इरादा ही नहीं है। खेल बहुत दिलचस्प है। सिर्फ 30 सेकंड के एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं और फौरन उसके बाद हाजिर होते हैं। एक छोटा सा